दोस्तों पीछे तुविल्थ फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है और ये फिल्म मैंने देख ली है। मेरी क्या राय है, मेरी भावना क्या है, क्या फीलिंग इस फिल्म को लेकर, वो बताना चाहूँगा। पहली बात तो विधु विनोद चोपड़ा, ये नाम आपको पता होगा, परिंदा के डायरेक्टर है, ये 1942 लव स्टोरी के डायरेक्टर है। ऐसे कमाल कमाल की फिल्में हमें ऑलरेडी उन्होंने दे दी है। ऐसे में उनकी ये लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म जो काफ़ी वक्त के बाद आ रही, वो कैसी लगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो बंदा है, इस बंदे ने दिल जीत लिया यार, क्या करेक्टर प्ले किया है विक्रांत मसे ने। और जिस तरह से ये तैयारी करता है, पढ़ाई करता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, जो इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत मुश्किलों से 4 अटैम्प्ट रहते हैं उसके पास, और कैसे वो हर एक अटैम्प्ट में ऊपर नीचे होता है, क्या होता है, वो सब कहानी दिखाई गई है। एक लव एंगल भी फिल्म में हल्का सा दिखाया गया है, लेकिन वो फिल्म को और ज़्यादा मजबूती देता है। वो धीरे धीरे हमें समझ में आता है, स्टार्टिंग में लगता है कि शायद वो मेन स्टोरी से डेविएट करेगा, बट वो स्टोरी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पकड़ के था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के ये फिल्म जो है विधु विनोद चोपड़ा की, हार नहीं मानूंगा, ये हर एक बच्चों को देखने चाहिए, हर एक बुजुर्ग को देखने चाहिए, फैमिली को देखने चाहिए। इसमें कई सारे ऐसे इमोशंस हैं दोस्तों, गाँव की यादें आपको नज़र आएंगी। मैंने ये फिल्म देखकर मुझे पता क्या लगा, जैसे कि मैं सत्यजीत रे की कोई फिल्म देख रहा हूँ, जो बहुत ही पानी जैसी एकदम क्लियर होती थी एकदम, है ना, जो उसमें साफ साफ दिखता था, जहाँ वैसी ये फिल्म है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये फिल्म आपको थ्री इडियट्स फिल्म की भी याद दिलाएगी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का क्या होता है, पहले प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। तो नॉर्मली लोग पहला वाला क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम जो होता है, उसके बाद मेंस जो होता है, उसे बहुत लोग अटकते हैं। और जो मेंस क्लियर कर लेते हैं उसमें से 80-90% लोग जो इंटरव्यू उसमें अटकते हैं। तो इंटरव्यू का वो जो सीन है लास्ट में 20-25 मिनट का, ज़्यादा 25 मिनट का नहीं है, वो सीन बहुत खतरनाक है। फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इमोशन से भरपूर, और मुझे लगता है कि पब्लिक को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस इस फिल्म का थोड़ा लो है मैं मानता हूँ, लेकिन ये फिल्म आप अगर देखेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। और पैसा वसूल है, पूरा का पूरा पैसा वसूल है। एक अच्छी फिल्म है, अच्छी नीयत से बनाई गई है, एक अच्छा संदेश देती है, और साफ साफ इस फिल्म का मतलब ये है कि हार नहीं मानूंगा। तो कैसे एक 12th फेल IPS PCS की तैयारी करता है, किस तरह से वो हार नहीं मानता, उसकी जर्नी है पूरी, आप देखिए आपको पसंद आएगी फिल्म। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार, और मुझे लगता है कि बहुत कमाल की फिल्म है। Super 30 वाला थोड़ा फ्लेवर आपको नजर आएगा, लेकिन उससे काफ़ी हटके फिल्म है, हालांकि एग्जाम्पल बेस्ड है, लेकिन अपनी फिल्म की ये अलग जर्नी है, एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है कहीं ना कहीं, और जो आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।